हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर अप करेंगे कि कैसे हम बहुत बड़े डाटा को छोटे स्केल में ऑर्गेनाइज करते हैं और ये जो भी डिफरेंट टाइप से डाटा को इकट्ठा किया जाता है, हम उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन टू सिक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इन टू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम डाटा को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 100 किताबें रखी है, उसमें से आपने पहले हिस्ट्री की किताबें देख ली कितनी है, पॉलिटिकल साइंस की देख ली, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, इस तरह उनको बांट लिया, तो इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। और एक दूसरे से रिलेटेड वे में बांटा आपने, सारी हिस्ट्री वाले सेक्शन में कौन सी किताबें रखी, सारी हिस्ट्री की, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाई क्यों किया जाता है डाटा को, देखो अगर मान लो आपको मैं उसमें से कहूं कि भाई हिस्ट्री की किताब ढूंढो ये वाली, तो आपको सारी किताबें देखनी पड़ेगी वो 100 किताबों में, तो टाइम लगेगा। हम डाटा को इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा। जो इतना बड़ा डाटा है उसको छोटे फॉर्म में करना, हिस्ट्री के सेक्शन में गए देख ली कितनी किताबें हैं। टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ डाटा। अब हमें पता चल जाएगा ना कि भाई इस कॉलम में हिस्ट्री के हैं और उस कॉलम में इकोनॉमिक्स के हैं, तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हमें समझ में आ गई। टू फैसिलिटेट कंपेरिजन, कंपेरिजन करने में आसानी होती है क्लासीफाई करने के बाद डाटा को। टू स्टडी द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी समझने में आसानी रहती है। टू प्रिपेयर द डाटा फॉर टेबुलेशन, टेबल बना सकते हैं हम कि हिस्ट्री की इतनी, सोशल साइंस की इतनी, पॉलिटिकल साइंस की इतनी, इस तरह। और टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, और हम एक आइडिया भी उस चीज से डाटा को क्लासीफाई करने के बाद लगा सकते हैं कि भाई हाँ मैं हिस्ट्री की ये बुक्स का एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। तो हम एक मेंटल पिक्चर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा को क्लासीफाई कर लिया कि भाई इतने फीमेल्स की डेथ हुआ, इतने फीमेल्स का डेथ हुआ, इतने इसका, तो अब हमें मेंटल पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई टोटल इतने लोग मरे और इस कारण से हुआ वो चीज। रिक्वेस्ट ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशन। अब शर्तें क्या क्या हैं सही क्लासिफिकेशन की, जैसे सुटेबिलिटी, इट शुड कन्फर्म टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, जिस चीज की हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ वो डाटा। अनएम्बिग्यूस, मतलब कि किसी तरह की बाइसनेस ना हो, इट शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, डाटा सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने क्लासीफाई किया हुआ हो। एग्जॉस्टिवनेस, इट शुड बी एग्जॉस्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बींग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज, जैसे जैसे चीजें परिवर्तित हो रही है हम डाटा को भी उसी हिसाब से क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। सिचुएशंस एंड कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें वो क्लास जिसमें हमने डाटा को क्लासिफाई किया है। सो दैट एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिलोंग टू वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लास, कहने का मतलब है अगर मैं हिस्ट्री की बुक इकोनॉमिक्स वाले में रख दूंगा तो ऐसा ना हो। हिस्ट्री की किताबें कहाँ रखी हुई होनी चाहिए, हिस्ट्री की में। फॉर एग्जाम्पल, मतलब की एक और संदर्भ में अगर हम समझे, जो डाटा जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसे उसी फॉर्म में वहीं पे रखना है। स्टेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइडेड शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालिसिस, और जो भी हम तरीका यूज कर रहे हैं एनालिसिस का, जब तक एनालिसिस पूरा नहीं होता हमारा वही तरीका रहना चाहिए एनालिसिस का। होमोजेनिटी, आर यूनिट बिलोंग टू अ ग्रुप शुड एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री की किताबें उठाई हैं अगर उस 100 किताबों वाले डाटा में से, तो वो जो जितनी भी सेम सिमिलैरिटी की किताबें, मतलब जितनी भी हिस्ट्री की सारी किताबें थी, वो मेरे को कहाँ रखनी है हिस्ट्री वाले में। तो होमोजेनिटी, जिस भी डाटा को मैं उठा रहा हूँ वो दूसरे से डिफरेंस ना हो, दोनों क्या हो, सेम हो जो भी मैं डाटा ले रहा हूँ। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फोर वेज, तो इन चार तरीकों से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम स्पाइटल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन, जैसे कह सकते हैं कि इंडिया का इतना, पाकिस्तान का इतना, अमेरिका का इतना, इस तरह से हम क्लासिफाई करें जब हम ज्योग्राफिकल बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करें। देखिए ये बुक में दे रखा है,
ज्योग्राफिकल बेस पे क्लासिफिकेशन, जैसे आंध्र प्रदेश में इतना, तमिलनाडु में इतना, राजस्थान में इतना, जब हम एक पर्टिकुलर जगह के बेस पे क्लासिफाई करें। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है इसमें, जैसे 1951 में इतना था, 61 में इतना था, 71 में इतना था, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आ जाती है व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक सेक्स, रीजन एंड कास्ट, एजुकेशन ईटीसी, इन सब के बेस पे जब हम बांटें तो वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन इन द क्वालिटेटिव वे। इसमें मेल फीमेल का डाटा हो गया, लिटरेट नॉन लिटरेट का हो गया, इस तरह से। सिंपल क्लासिफिकेशन, वेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इन टू टू क्लासेज अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, उसको बोलते हैं सिंगल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने कह दिया लिटरेट, अब लिटरेट के अंदर मैंने कह दिया कि भाई मेल लिटरेट और फीमेल लिटरेट, तो ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन। दो उसमें बांट दिया पर एट्रीब्यूट एक ही था लिटरेट। मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन, व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड टू और मोर देन वन एट्रीब्यूट, जैसे मैंने कह दिया लिटरेट एंड रिच, तो अब दो एट्रीब्यूट हो गए ना मेरे यहाँ, लिटरेट और रिच, अब मैं डाटा को क्लासिफाई कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर मेल फीमेल बच्चे वो सब ले लिया मैंने। तो मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं और सिंपल क्लासिफिकेशन में एक एट्रीब्यूट होता है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और सेल्स। जब हम डाटा को इस तरह क्लासिफाई करेंगे नंबर्स के वे में, जैसे प्रोडक्शन इन 1950 10 किलो, प्रोडक्शन इन 1960 15 किलो, या नहीं सेल्स इतना हुआ, इनकम इतना है या वेट इतना है, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू द अनदर। वेरिएबल आर ऑफ टू काइंड, तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें एक एट्रीब्यूट की क्वांटिटी या डाटा अलग आ रहा है, दूसरा एट्रीब्यूट का अलग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिटरेट एट्रीब्यूट लिया तो लिटरेट एट्रीब्यूट में मेरे को डाटा अलग मिलेगा, और अगर मैं हाइट का डाटा लूँ, एट्रीब्यूट हाइट लूँ, तो मेरे को डाटा क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, और इसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी बोलते हैं, जिसमें डाटा क्या होता है, एक सिंगल फॉर्म में होता है। लेट अस आई एम शोइंग टू यू, ये हमारा डाटा डिस्क्रीट वेरिएबल सीरीज में है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज इन अ कॉलोनी, तो जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसमें पांच फैमिलीज में कोई नहीं है, सात वाले में एक है, 25 वाले में दो हैं, और तीन वाले में कितने हैं, तीन परिवार में तीन, तो इस तरह से हो गया। तीन बच्चे हैं जिस परिवार में, ऐसे तीन परिवार हैं, दो वाले 25 हैं, और जिसमें कोई बच्चा नहीं है, ऐसे पांच परिवार हैं। तो ये होता है डाटा डिस्क्रीट वेरिएबल में, ठीक है। दो कंटिन्यूअस वेरिएबल, दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यू इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल इन अ गिवन। अब देखो कंटिन्यूअस का देखो ये है डाटा, जिसमें सीरीज चलती रहती है 10 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो 10 से 45 वाले कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 45 है, 22। 45 से 50 वाले कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 45 से 50 किलो के बीच में, ऐसे 6। 50 से 55 किलो वेट वाले 9 बच्चे हैं, 55 से 60 वाले 10 हैं, और 60 से 65 वाले 3 बच्चे हैं। ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल में डाटा। देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है पहले वाले की, अगले वाले की वो लोअर लिमिट होता है, ठीक है। देखो ये अपर लिमिट है इसकी, अगले वाले की लोअर होगी, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा डाटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। तो 70 कितनी बार आया होगा, 9 बार आया। 85 वाले 6 हैं, 92 वाले 5 हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 9, 6, 5, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसी एंड एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर रिटन साइड बाई साइड। तो वही है कि लिख देंगे 9 के सामने 70, 6 के सामने 85 और 5 के सामने 92। जो अभी हमने डाटा देखा उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटिस्टिकल सीरीज,
द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से उन्हें हम अरेंज करें, टाइम के हिसाब से अरेंज करें, सम अदर मेजरेबल हाइट के हिसाब से कर लें या उनकी क्वालिटी के हिसाब से, ये सब क्या है? स्टैटिस्टिकल सीरीज है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज दो बेस पे होती हैं, दो तरह की होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे और कंस्ट्रक्शन के बेस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहली हमारी है टाइम सीरीज। इट इज डिफरेंट वैल्यू इफ द डिफरेंट वैल्यू दैट अ वेरिएबल हैज टेकन इन अ पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द सीरीज सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। ये मैं आपको दिखाता हूँ टाइम सीरीज कैसे होती है। जैसे ये देखिए, ये टाइम सीरीज का एग्जांपल है। जब हम डाटा को इस तरह अरेंज करें 1951 में इतना, 1961 में इतना, 71 में इतना, 81 में इतना, तो ये टाइम सीरीज में हो रहा है। तो डाटा को हमने किस बेस पे अरेंज किया? टाइम के बेस पे, तो इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। स्पैटल वाली सीरीज में हमारा डाटा किस बेस पे होता है? ज्योग्राफिकल बेस पे होता है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, तो आंध्र प्रदेश इतना, तमिलनाडु इतना, राजस्थान इतना, कर्नाटक इतना। तो जब हम डाटा को जगह के बेस पे क्लासिफाई करें वो हमारा स्पैटल में आ जाता है या ज्योग्राफिकल में आ जाता है, इसका दूसरा नाम ज्योग्राफिकल हो जाएगा। और कंडीशन सीरीज में हमारा डाटा कैसे होता है? इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल किसका है? कंडीशन सीरीज का है कि भाई 10 से 12 एज के कितने बच्चे हैं? 150। तो यहाँ कंडीशन लगी ना कि 10 से 12 एज के, तो ये हमारा डाटा कंडीशन सीरीज का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो आइए पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल को। Refers to that series in which items are listed singly. देखिए ये individual series का example है। ठीक है, marks of distribution of 10 student, ये individual series का है। ठीक है, और अगले में हम बात करें, अगर हम अब individual भी दो तरह की है, organized और unorganized। अब ये देखो, ये तो क्या है? ये unorganized चीज है, पर organized individual series कैसे होती है? ये जैसे serial number 1 के number of student कितने हैं? 35 हैं। 2 वाले कितने हैं? 40 हैं। serial number 3 में 38। इस तरह से हमने क्या किया? डाटा को serial number के हिसाब से अरेंज किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज्ड वाला हो जाता है इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल में अनऑर्गेनाइज्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये देखिए, ये मेरा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, यहाँ पे डाटा मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये मेरा इंडिविजुअल के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड और इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया है। तो ये दोनों भी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डाटा कैसे अरेंज होता है। देखिए, जैसे बुक में एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे डाटा ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो हमने ये देख लिया 10 नंबर वाले कितने हैं। तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और कितने, और ये हमारा 7वां। तो 10 नंबर कितने बच्चों के आए? 7। तो हमने 1, 2, 3, 4, फिर एक कट करा, 5, 6, 7, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7। फिर 15 वाले देख लिए, फिर 20 वाले, फिर 25 वाले। ये डाटा है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का इंडिविजुअल। उसमें अगर मैं आपको कंटिन्यूअस की बात करूं इसमें, तो कंटिन्यूअस में हमारे पास, इसमें बुक में तो डाटा नहीं दिया है कंटिन्यूअस का, पर मैंने आपको पीछे बताया था ना अभी कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह वाली सीरीज को हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। डिस्क्रीट, उम्मीद आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म अंडर कंटिन्यूअस सीरीज, क्लास। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है क्लास। क्लास का मतलब कि कितने का वो है, 0 से 10, 10 से 20। क्लास लिमिट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन अ क्लास। लोएस्ट वैल्यू कितनी है और अपरेस्ट वैल्यू कितनी है? अब इसमें आप देखो, लोएस्ट वैल्यू 0 है और अपर वैल्यू कितनी है इस वाले में? 10 है। तो ये हो गया क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल की इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हर किसी में कितना रखा गया है डिफरेंस? 10 का। तो ये होता है क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हम कैसे विड्थ निकाल सकते हैं? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ क्लास डिजायर्ड। इससे हम विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है क्लास विड्थ का। ठीक है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें सबसे बड़ी 38 थी और स्मॉल वाली कौन सी थी? 10 थी। और नंबर ऑफ क्लास डिजायर्ड कितने थे? 6 लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इसमें हमारी क्लास विड्थ।
नेक्स्ट हेडिंग इज रेंज, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे जी अगर मैं हम शुरू कर रहे हैं 0 से 10 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ये जैसे ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो रेंज क्या होती है 0 लोअर लिमिट का डिफरेंस और अपर लिमिट क्या है हमारी 30 मैक्सिमम वाली, इसको कहते हैं हम रेंज। जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना और कहते हैं ना कि भाई 1000 वाले और 500 वालों के बीच में दिखा दो कपड़े, दैट इज रेंज, ठीक है ना, हमने एक रेंज बता दी। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, इफ द क्लास मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, ठीक है, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ सेंट्रल क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा 10 से 20, तो 10 प्लस 20 करो, ठीक है 30 और डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट क्या आ गया इस क्लास इंटरवल का 15, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्लास फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, की वो कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई किन बच्चों के, जैसे फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स वाले 12 बच्चे हैं, 30 मार्क्स वाले 15 बच्चे हैं, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, अब कंटिन्यूस सीरीज के भी 2 टाइप है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। लेट अस फर्स्ट सी एक्सक्लूसिव सीरीज, द क्लासेस ऑफ द टाइप ऑफ 10 to 20, 20 to 30 etc, वेयर इन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जिसमें जो अपर लिमिट होती है, जैसे ये देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये जो अपर लिमिट है इसकी, अगले की क्या है ये लोअर लिमिट, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है 10 से 19, अब यहां हम 19 नहीं लिखेंगे, हम करेंगे 20 से 29, यहां करेंगे हम 30 से 39, ये होता है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, इट इज नोन एज ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है लोअर लिमिट नहीं दे रखी होती और अपर लिमिट नहीं दे रखी होती लास्ट क्लास की, उसको हम क्या बोलते हैं ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये डाटा है हमारे पास ओपन एंडेड का, देखो इसमें लोअर लिमिट नहीं दे रखी ना, बिलो 20 कह दिया, वो कितना है वो नहीं बताया, यहाँ पे दे रखी है लोअर लिमिट, और इसमें अबव 50 कह दिया, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसमें लेस देन होता है और मोर देन होता है, मैं आपको दोनों बुक के जरिए समझाता हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये डाटा है, ठीक है, लेस देन का है, तो मैं क्या लिखूंगा लेस देन 10, कितने हैं 2 बच्चे, तो अब जब मैं अगली बार ना इसमें 20 खाली 10 to 20 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा लेस देन 20, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 20 से छोटे 7, और जब मैं लिखूंगा लेस देन 30 तो 2 + 5 + 10 तो कितने हो गए 17, और अगले में मैं लिखूंगा लेस देन 40 तो ये सारे गिने जाएंगे इससे पीछे वाले, जब मैं लेस देन 50 गिनूंगा तो इन सारों को गिना जाएगा, और लेस देन 60 गिनूंगा तो ये इन सब का टोटल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लेस देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोर देन फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, इसको देखिए मोर देन 0, तो अब वो लास्ट वाला डाटा जो था हमारा, अब इसमें उल्टा कर देंगे, मोर देन 10 में जो 10 से बड़े हैं, देखो आप इसमें जब मैं ये कहूंगा मोर देन 10, 10 से ज्यादा तो ये सब, मोर देन 20 ये सब, मोर देन 30 जब मैं कहूंगा तो ये सारे आ जाएंगे, मोर देन 40 कहूंगा तो ये दोनों आएंगे, और मोर देन 50 कहूंगा तो ये आएगा, बस ये देखिए हमारा डाटा। उम्मीद है आपको मोर देन फ्रीक्वेंट मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया होगा, मोर देन में उल्टा कर देना है, ठीक है, और लेस देन में पीछे से टोटल करके चलना है लेफ्ट साइड से, मोर देन में टोटल करना है राइट साइड से। इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है बीच का वो सारे में क्या रहता है सेम रहता है। देखिए आप यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, तो क्लास इंटरवल यहाँ कितना है 10 का, और यहाँ भी क्या है 10 का, इसको बोलते हैं इक्वल क्लास इंटरवल। और अनइक्वल क्लास इंटरवल में हमारा क्या हो जाएगा, वन मिनट,
थोड़ी सी चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में क्या होता है टाइम लग जाता है, बुक ले खोलनी पड़ती है या पेपर। तो अनइक्वल में क्या हो जाएगा, 10 से 15 और 16 से 25, 26 से 40, इस तरह अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू सीरीज क्या होती है, व्हेन मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल आर गिवन इट इज कॉल्ड मिड वैल्यू, जब पहले से ही बीच की वैल्यू क्या दे रखी हो। बाई वेवरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखो बाई वेवरेंट में क्या होता है, दो चीजें ली गई होती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो 15 स्टूडेंट के मार्क्स हैं अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के, तो हमने क्या किया, इसको अकाउंट्स के मार्क्स इधर डाल दिए और इकोनॉमिक्स के मार्क्स ऐसे डाल दिए। तो हमने पहले डाला कि भाई ये जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25, कौन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अकाउंट्स में 25 हैं और इकोनॉमिक्स में 19 हैं, तो देखते हैं ऐसे स्टूडेंट कितने हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हैं एक, नहीं 19 देखना, जिसके नीचे 25 के नीचे 19 लिखा हो, एक है ना बस ये, और तो नहीं है। तो ऐसा स्टूडेंट सिर्फ एक है जिसके अकाउंट्स में 25 है और इकोनॉमिक्स में कितने हैं, 19 है। अब देखो ये वाला हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसके 20 हैं। अगले वाले में देखो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसके अकाउंट्स में 25 हैं और इकोनॉमिक्स में 20 हैं, तो ऐसा सिर्फ एक ही स्टूडेंट है ये जिसका अकाउंट्स में 25 है इकोनॉमिक्स में 20 है। फिर आगे देखते हैं, अकाउंट्स में उसके 25 हों और इकोनॉमिक्स में 21 हों, तो ऐसा कोई स्टूडेंट है, 25 वाले के नीचे तो 20 है, यहाँ 25 वाले के नीचे 19 है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। इस तरह जब हम डाटा को दिखाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाईवेवरेंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, उम्मीद है स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो बुक मैंने अभी बीच बीच में दिखाई है, ये संदीप गर्ग की स्टेटिस्टिक्स है, धनपत राय पब्लिकेशन की, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत प्रैक्टिस कंटेंट है, कम्पिटेटिव नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसे खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, इसके प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, बढ़िया रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स आप स्वस्थ रहिए, मेरी यही मनोकामना है, और खूब मेहनत कीजिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।